फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट्स में लिखा था कि सोशल स्टडीज़ के ऊपर मैं वीडियोज़ बनाऊँ, तो ये उस श्रृंखला की, उस सीरीज़ की ये पहली वीडियो है। टोटल 2018 की जो 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ चल रही है उसकी ये वीडियो नंबर 12 है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इस तरीके की ये पहली वीडियो है। अगर आपको कोई कमी लगे तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, अच्छी लगे तो वो भी अगर आप बताएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो नंबर 12 की। द न्यूज़पेपर विच अपहेल्ड द नेशनलिस्ट काज ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज, कौन से अखबार ने स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी कारणों को बरकरार रखा था? तो वो कौन सा न्यूज़पेपर था जिसने जिसने कि स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष के दौरान राष्ट्रवादी कारणों को बरकरार रखा था? द न्यूज़पेपर विच अपहेल्ड द नेशनलिस्ट कॉज ड्यूरिंग इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम वॉज, कौन सा अखबार था वो? द लीडर न्यूज़पेपर का नाम था। द रीट्रीटिंग मानसून इन इंडिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नोन एज, भारतीय उपमहाद्वीप में वापसी मानसून के रूप में जाना जाता है, कौन सा मानसून जाना जाता है? द रीट्रीटिंग मानसून इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज नोन एज, भारतीय उपमहाद्वीप में वापसी मानसून के रूप में जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो होता है वो भारतीय उपमहाद्वीप में वापसी मानसून के रूप में जाना जाता है। द राइट विच इज ए लीगल बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, द राइट विच इज ए लीगल बट नॉट ए फंडामेंटल राइट, अधिकार जो कानूनी है लेकिन एक मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार है वो? राइट टू प्रॉपर्टी जो अधिकार है वो जो है अधिकार कानूनी है लेकिन एक मौलिक अधिकार नहीं है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन है वो प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये नए क्वेश्चन नहीं है। ये लोग, मैं आपको बता देता हूँ, ये सिर्फ एक शुरुआत है इस तरीके की वीडियोस की। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे और ज़्यादा टफ लेवल में लेके आऊँगा। वेम्बानाड क्या है? वेम्बानाड क्या है? वेम्बानाड जो है लगून लेक है, वेम्बानाड जो है लगून लेक है केरला में, लगून झील जिसको कहते हैं। Which soil is found in the areas of excessive leaching due to heavy rainfall? भारी वर्षा के कारण अत्यधिक लीचिंग के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिली है? Which soil is found in the areas of excessive leaching due to heavy rainfall? भारी वर्षा के कारण अत्यधिक लीचिंग के क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी मिली है? लेटराइट मिट्टी मिली है भारी वर्षा के कारण अत्यधिक लीचिंग के क्षेत्रों में। एक 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज, 180 रेखांश के एक और रूप से जाना जाता है, किस रूप से जाना जाता है? इंटरनेशनल डेट लाइन इज ऑल्सो नोन एज 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन, 180 रेखांश जो है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा के रूप में भी जाना जाता है, सॉरी तिथि रेखा के रूप में जाना जाता है। Which of the following forest type cover the maximum area on Indian land? निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र भारतीय भूमि पर अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है? Which of the following forest type cover the maximum area on Indian land? निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र भारतीय भूमि पर अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है? ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, सो ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन जिनको कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वन क्षेत्र भारतीय भूमि पर अधिकतम क्षेत्र को कवर करता है? तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ी वन, ट्रॉपिकल डेसीडियस फॉरेस्ट। ऑन विच प्लेट मार्जिन्स मैक्सिमम वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स ओकर, किस प्लेट मार्जिन पर अधिकतम ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं, कौन सी प्लेट है वो? कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन्स पे होते हैं ये, रचनात्मक प्लेट मार्जिन्स, तो कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन जो है उस पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी और भूकंप होते हैं।
फ्रेंड्स ये वो स्लाइड है जिसमें मैं आपको बताता हूँ हर बार की कौन कौन सी वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं सोशल स्टडीज़ की ये पहली वीडियो है। इसके अलावा भी जो वीडियोज अवेलेबल हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। मंगला ऑयल वेल इज़ लोकेटेड इन, इंडिया में मंगला ऑयल वेल, ऑयल का कुआं कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है राजस्थान में स्थित है। तो मंगला ऑयल वेल जो है राजस्थान में है। द प्रोविजन ऑफ सोसाइटी सिक्योरिटी इज़ द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान मूलभूत सिद्धांत है। कौन सी थ्योरी है ये? थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याण राज्य का सिद्धांत आता है। द प्रोविजन ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, थ्योरी ऑफ वेलफेयर स्टेट के अंदर आता है। सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान मूलभूत सिद्धांत है, ये जो है कल्याण राज सिद्धांत में आता है। औरंगजेब स्पेंट नियरली 25 ईयर्स इन डेक्कन बिकॉज, औरंगजेब ने डेक्कन में लगभग 25 साल बिताए क्योंकि ही वॉन्टेड टू चेक मराठा एक्सपेंशन, वह मराठा विस्तार की पे चेक रखना चाहता था, नज़र रखना चाहता था, तो इसलिए औरंगजेब ने डेक्कन में 25 साल बिताए। कर्ण प्रयाग इज़ द कन्फ्लुएंस ऑफ, कर्ण प्रयाग किसका संगम है? कर्ण प्रयाग इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ, कर्ण प्रयाग किसका संगम है? ये अलकनंदा एंड पिंडर का संगम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेशन ऑफ लोकसभा, इनमें से कौन सा लोकसभा का सत्र नहीं है? तो समर सेशन जो है लोकसभा का सत्र नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेशन ऑफ लोकसभा, समर सेशन इज नॉट ए सेशन ऑफ लोकसभा। द कॉन्स्टिट्यूशनल शेड्यूल विच कंटेन्स द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया, संवैधानिक अनुसूची जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वह कौन सी सूची है? तो ये जो है एट्थ शेड्यूल, आठवीं अनुसूची जो है इसमें संवैधानिक अनुसूची है, आठवीं अनुसूची जिसमें भारत की मान्यता प्राप्त भाषाएं की सूची है। द थ्योरी विच गिव बर्थ टू फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द रिवोल्यूशन इन अमेरिका इज, वो कौन सी थ्योरी है जिसने, वो कौन सा सिद्धांत है जिसने अमेरिका में क्रांति और फ्रेंच क्रांति को जन्म दिया? तो ये है थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत थ्योरी थी जिसने कि अमेरिका में क्रांति और फ्रेंच क्रांति को जन्म दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक सेट था, स्टार्टिंग सेट था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिएगा, कमी अगर कोई लगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सजेशन भी दीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ में उसको मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आती रहेंगी वीडियोज़।